पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और पुतलों को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। आज शाम 5 बजे यहां रावण दहन के साथ साथ विजयदशमी का समापन होगा। पटना के गांधी मैदान में मौके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी एसके राजीव ने। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। विजयादशमी में रावण दहन की पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है और आप देखिए कि किस तरीके से रावण जो है वो उसको खड़ा कर दिया गया है। उसके ठीक बगल में जो है वो कुंभकर्ण को खड़ा किया गया है और थोड़ी ही देर बाद जो है वो जो रावण के जो पुत्र थे उनको भी खड़ा किया जाएगा और फिलहाल वो खड़े होने की प्रतीक्षा में है। तो थोड़ी देर बाद यानी कि जब शाम में लगभग 4 से 5 बजे के करीब जो है यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और विजयादशमी जो है वो विधिवत राजधानी के लोग पटना के लोग जो हैं वो मनाएंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान का अपना काफ़ी महत्व है, काफ़ी इसका एक बड़ा इतिहास रहा है और हर एक साल यहाँ पर जो है वो विजयादशमी के मौके पर रावण दहन किया जाता है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा की भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की जाती है, चूँकि 2013 में यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसमें कई लोग जो है वो दबकर कुचलकर जो है वो मर गए थे। तो लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल जिला प्रशासन है, वो अपनी तरफ से सुरक्षा के भी जो है वो पूरी मुकम्मल पूरी व्यवस्था जो है वो उसकी तरफ से प्रशासन की तरफ से की जाती है। बड़ी तादाद पर यहाँ पर पुलिस बल को लगाया जाता है और ये जो पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड जो है वो खचाखच भरा रहता है और ठीक लगभग 4 से 5 के बीच यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो है यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा और 4 से 5 के बीच जो है वो रावण और कुंभकर्ण का जो है और मेघनाद का पुतला जो है उसको जलाया जाएगा और उसके बाद जो है विजयादशमी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पुतला दहन के बाद जो है वो विजयादशमी का समापन होता है। पटना से इसके राजीव R9 TV।